हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होममेकर स्टाइल कॉर्नर। सो दोस्तों, आपको पता है कि मेरी जो वीडियोस आती हैं वो आती हैं हर मंडे को और थर्सडे को। तो आज ना ही मंडे है ना ही थर्सडे है, आज है फ्राइडे। तो आज मैं क्यों वीडियो लेकर आई हूँ, ये आपको थंबनेल में क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टाइटल क्या है, आज की वीडियो में क्या होने वाला है और किस टॉपिक पे एक्चुअली बात करने वाली हूँ। सो ये मेरा आई थिंक मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो आ रहा है। इससे पहले मैंने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं किया है और ना ही मुझे इसकी कोई ज़रूरत थी करने की। बट आज जो मैं आपके सामने बोलने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक अप ऑन वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच इज़ हैपनिंग इन यूट्यूब। काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि ये सब चला आ रहा है यूट्यूब पे, एंड ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के बात ना करते हुए मैं सीधे जो है मुद्दे पे आती हूँ, मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ आज बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और टॉपिक जो यूट्यूब पे भी चल रहा है और वीडियोज़ जो है बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं यूट्यूब पे, और वो टॉपिक है वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट या वर्स्ट रिव्यूड पार्लर में जाने का और वहाँ से मेकअप करवाने का, पहली बात तो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया फर्स्ट ऑफ ऑल, कि लोग जो यूट्यूबर्स जो हैं पार्लर्स में जाते हैं, जो जिनका कि बहुत ही वर्स्ट रिव्यू होता है, बहुत ही गंदा रिव्यू होता है, उस पार्लर में जाते हैं, अपना मेकअप करवाते हैं वो, एंड मेकअप करवाने के बाद वो जो है उनकी वीडियोस जो हैं वो पब्लिश कर रहे हैं, एंड पब्लिश करने के बाद वो उनके बारे में बहुत ही बैड जो कॉमेंट्स कर रहे हैं, नॉट कॉमेंट्स बट उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं, उनको डिमीन कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं जहाँ से वो पार्लर में जो है तैयार होकर मेकअप करवा के आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि वर्स्ट रिव्यू का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्स्ट रिव्यू। वर्स्ट रिव्यू इटसेल्फ मींस कि जिनके रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा गंदे आए होंगे, या फिर वो पार्लर जिनकी सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी, या फिर उनके स्टाफ मेंबर्स ने कुछ उनकी सब उन्हें अपनी असिस्टेंस अच्छे से नहीं दी होगी, या फिर कोई मेकअप जो करता है उनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, एंड ऑल दैट वट एवर रीज़न इट इज़, उनको रिव्यू जो है अच्छे नहीं मिले होंगे। तो इस तरह के पार्लर्स में हमारे प्यारे यूट्यूबर्स जो हैं वो डेलीबरेटली जा रहे हैं वहाँ पर, वर्स्ट रिव्यूड जो पार्लर्स हैं वहाँ पर, एंड वर्स्ट रिव्यू में भी वो ऐसे पार्लर में जाते हैं रेडी होने के लिए, मेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर थोड़ा सा अनहाइजीनिक उनको लगता है वैसा जो है उनका पार्लर का एटमॉस्फेयर है पूरा, एंड या फिर ऐसी ही वो लेडी वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो उसकी ओनर होगी ऐसा पार्लर सिलेक्ट करेंगे कि वो देख लेते हैं पहले कि इसकी जो सर्विसेज कैसी होने वाली हैं, कैसा मेकअप करने वाला है, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह देख कर उसके बाद वहाँ पर जो है शूटिंग होती है एंड उनसे मेकअप करवाया जाता है, एंड मेकअप के जो चार्जेस होते हैं वो 500, 600, 800 इस तरह से होते हैं वहाँ पर उनके चार्जेस, एंड उसके ऊपर भी वो उनसे जो है यूट्यूबर्स डिस्काउंट मांगते हैं कि हमारा जो आप मेकअप करिए एंड प्लीज़ थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, मेकअप वेकअप वो कराते हैं, और मेकअप कराने के बाद मेकअप कराने के टाइम पर वो उनसे पूछते हैं कि हम शूट कर लें। कोई यूट्यूबर बोलेगा कि हम टिकटॉक के लिए आए हैं, कोई यूट्यूबर बोला कि हम ऐसे फन के लिए जो है शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग करते हैं अपनी वीडियोस की, एंड उसके बाद जब मेकअप वेकअप अच्छे से हो जाता है, जैसे भी वो मेकअप करते हैं जो भी उनके पार्लर के जो ओनर्स हैं, जो भी पार्लर वाली दीदी जो उनको बुलाया जाता है, एंड उनका उनसे मेकअप करवाने के बाद बाहर आते ही इमीडिएटली आफ्टर कमिंग आउट दे स्टार्ट स्पीकिंग सो बैड अबाउट देम कि पूछिए मत। आपने अगर वीडियोस देखी हैं तो आपको आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा बुरा वो उनके बारे में बोलते हैं, कि इमीडिएटली बाहर आने के बाद ही वो उनके बारे में बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे मेकअप उनका अच्छा हुआ भी होगा तभी उनका जो है वो बैड उनके बारे में बोलना शुरू हो जाता है, एंड उनके मेकअप के बारे में नहीं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में वो लोग बहुत ही ज़्यादा गलत बात करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा गंदे थे, उनकी उनके ब्रशेज अच्छे नहीं थे, उन्होंने इतने चीप प्रोडक्ट्स यूज़ किए। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यूट्यूबर्स, उन आपसे जिन्होंने वो वीडियोज़ बनाई हैं, आप उनसे जो मेकअप करवाने गए हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी कि आप मुझे ये बताइए कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई के ज़माने में जो आप देखते होंगे कि इतने ज़्यादा जो मेकअप प्रोडक्ट्स आजकल आते हैं, एक कॉम्पैक्ट ले लीजिए, एक मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, वो आई थिंक मिनिमम जो उसका प्राइस है आई थिंक 100-150 रुपीज़ का वो आता है,
तो ऐसे में फुल फेस का जो मेकअप करवाने में कितने पैसे लगते होंगे आप खुद सोचिए। तो 500, 600, 800 रुपए में क्या आपका मेकअप होगा, कैसे वो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, ये आपको अच्छे से पता है। आप मुझे बताइए कि इतने पैसों में 500, 600, 800 रुपए में आपका जो मेकअप है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे ऐसे पार्लर्स में जाकर, और स्पेशली वो ऐसे पार्लर्स में जाते हैं जहाँ के जो ओनर्स हैं, जहाँ की जो भी पार्लर वाली जो दीदी हैं, जो भी हैं व्हाटएवर आंटी हैं, वो जो उनके ओनर्स हैं उन्होंने जो अभी अभी पार्लर अपना स्टार्ट किया है, या फिर वो एकदम लर्निंग स्टेज पे हैं, धीरे धीरे जो मेकअप करना सीख रहे हैं और उनको इतना ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता, तो वो डेलिब्रेटली ऐसे पार्लर में जाते हैं और अपना जो है मेकअप करवाते हैं, और उसके बाद मेकअप कराने के टाइम पर भी उनको बीच बीच में जो है टोका जाता है कि आप मेरा मेकअप ऐसे करिए, वैसे करिए, मुझे ये चाहिए, आपके ये मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं एंड ऑल दैट। तो मैं ये बोल रही हूँ कि 500, 600, 800 रुपए में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको उन पैसों में आप जो आपको वो कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो हीरोइन टाइप आपका मेकअप कर देंगी, आप अपने उनके पार्लर से बाहर आएंगी तो आप एकदम सुंदर हो जाएंगे, आपका मेकअप जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये एक्सपेक्ट करते हैं आप उनसे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ब्राइडल मेकअप आप लोग जो है 1500, 2000 रुपए में करवा रहे हैं, तो एक्चुअली आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन 1500 एंड 2000 रुपीज़ कि आपका जो है फुल ब्राइडल मेकअप होगा 1500, 2000 में। तो आप लोग या तो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर उन पार्लर वालों को ही आप लोग जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं इस तरह। एंड ये कहा जाता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा चीप हैं, उनके ब्रशेज अच्छे नहीं हैं, उनका जो कॉम्पैक्ट था वो ऐसा था, उनकी फाउंडेशन ऐसी थी। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं 500, 600, 800 रुपए में, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको मैक के प्रोडक्ट्स, हुडा ब्यूटी, मेबलिन, लैक्मे, इस तरह के हाई एंड प्रोडक्ट्स वो आपके फेस पे यूज़ करेंगे 500, 600 रुपए में, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आप उनसे अगर ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप साथ में ये भी बोलते हैं कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा तो है फाउंडेशन इस तरह से लगाना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था, तो आप साथ में खुद लेके चले जाते, आपके पास तो इतने सारे फाउंडेशन, इतने सारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं घर पे, तो आपको उनको इस तरह के जो है प्रोडक्ट्स देने चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, और फिर आपको जो है उनको मेकअप करवाना चाहिए था, तो इस तरह से उनकी हेल्प भी हो जाती और एक अच्छा काम भी आप लोग करते। लेकिन नहीं, आप तो ये पूरा एक तैयारी करके गए हैं, प्रिपेयर होके गए हैं कि आपको उनके जो वो काम करेंगे, मेकअप करेंगे, जैसा भी, आपको उनके काम में सिर्फ फ्लॉज ही ढूंढने हैं, मिस्टेक्स ही ढूंढनी है, और जानबूझ के इस तरह की वीडियो की वो एडिटिंग करते हैं, इतना फनी वे में एंटरटेनिंग उसको बना देते हैं। एंड उन्होंने, पार्लर वाली दीदी ने ये किया, वो किया, और जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा हंसी तो मुझे कहीं से नहीं आई, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ऐसे काम करते हुए कैसे आपकी कॉन्शियस आपको अलाउ करती है, कैसे आपको बिल्कुल भी ये काम गलत नहीं लगते हैं किसी भी एंगल से। एक्चुअली उनका जो मेन जो मोटिव है वहाँ जाने का वो यही है कि उनका जो मेकअप है वो इतना ज़्यादा वाहियात हो, इतना ज़्यादा गंदा हो कि वो जाके अपनी वीडियो पोस्ट कर पाए, और इसी तरह से उनकी जो पोस्ट है वो वीडियोस है वायरल हो जाए और लोगों को पसंद आए। एंड टू माय सरप्राइज कि लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद भी आ रही हैं, उनको एंटरटेनिंग लग रही है। एंड द मोस्ट फनी पार्ट इज कि जब उन ऐसी वीडियोस की एडिटिंग हो रही है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फनी एलिमेंट्स, उसकी जो एडिटिंग है वो इस तरह से की जाती है कि वो बहुत ही एंटरटेनिंग वे में उनको जो है प्रेजेंट किया जाता है, लोगों को वो देखने में मज़ा आता है। एंड लोगों के जो कॉमेंट्स अगर मैं पढ़ती हूँ वहाँ जाकर, तो हंसी भी आती है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है एट द सेम टाइम कि आप लोग एक्चुअली यूट्यूब में देखना क्या चाहते हैं, इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। और ये सब देखने के बाद मैं आपसे उन यूट्यूबर्स से वो क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताइए, डोंट यू थिंक इट्स अनएथिकल, इट्स इनकरेक्ट, आप किसी के पार्लर में जा रहे हैं मेकअप करवाने के लिए और आप उनसे झूठ बोलते हैं, आप उनसे चीट करते हैं उनको कि हम आपसे मेकअप करवाने के लिए आए हैं, और मेकअप करवाने के बाद आप मेकअप कराने के टाइम पर पूरा शूट करते हैं, वो आपको परमिशन देते हैं शूट करने की अपने पार्लर में, उनकी विसिलिटी में आप हैं और आप उनके पार्लर में शूट कर रहे हैं, और शूट करने के बाद मेकअप जब आपने कर लिया उसके बाद आप आने के बाद उनकी जो वीडियो है वो पब्लिश कर देते हैं यूट्यूब पर, तो आप सो डोंट यू थिंक इट्स अनएथिकल, इनकरेक्ट टू डीफेम और डिमीन समवनस नेम, आप उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी और उनको हार्म कर रहे हैं।
वो कर क्या रहे हैं आप मुझे ये बताइए, वो आपका पैसे लेकर मेकअप कर रहे हैं जो कि उनका प्रोफेशन है, जितना भी उनको आता है वो आपका वो मेकअप उससे कर रहे हैं। अगर आप इतना ही ज़्यादा मेकअप जानते हैं, आपके पास इतने अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और आपको रिव्यू करने के लिए जो है इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप इस तरह की वीडियोज़ भी बना सकते हैं ना कि आप वहाँ पर गए, उनको मेकअप करना नहीं आया और आप उनको अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ चैरिटी कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं ताकि उन्हें उनकी कुछ हेल्प हो जाए और उनको जो अच्छे से मेकअप करना आए। अगर आपको इतना ज़्यादा ज्ञान है आप यूट्यूबर्स को, तो आप उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, उनको थोड़ा सिखा सकते हैं। लेकिन नहीं, मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें ऐसा हुआ हो। 98 से 99% जो यूट्यूबर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं एंड जाने के बाद उनका बस यही फंडा क्लियर है कि वहाँ जाना है, मेकअप करवाना है और बहुत ही गंदा मेकअप करवाना है, और गंदा मेकअप करने के बाद जो वीडियो पब्लिश करनी है। अहम एक बात इंटरेस्टिंग आपको मैं बताती हूँ, एक दो वीडियोस तो मैंने ऐसे देखी हैं जिनके थंबनेल इतने ज़्यादा फेक हैं, जब वो मेकअप करवा के बाहर आई हैं तो उनका मेकअप एकदम ठीक ठाक लग रहा है, बट थंबनेल जो उनके आप देखेंगे तो थंबनेल्स में जो है उन्होंने जैसे ब्लशर लगाया है तो ब्लशर के ऊपर और जो थोड़ा सा पोथ दिया है, ब्लशर और लगा के बहुत ज़्यादा उसको बद्धा बना दिया है, बहुत ही गंदा दिखा के आईलाइनर ख़राब कर दिया है एंड थंबनेल में वो जो है फ़ोटो चिपका दी है ताकि उनकी जो वीडियो है जब वो फिर थंबनेल में कोई देखे तो बहुत ज़्यादा जो है इंटरटेनिंग उनको लगे और वीडियो जो क्लिक करे तो उनको जो है अंदर इस तरह की वीडियोज़ मिले। एंड टू माई सरप्राइज उनकी वीडियोस पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है व्यूज़ आए हैं, एंड ये वो सब्सक्राइबर्स हैं जिनके 3 या 4 हज़ार यानी कि 3K या 4K सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी वीडियोस पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इमेजिन व्हाट इज़ दी रियल सिचुएशन ऑफ यूट्यूब नाउडेज, क्या लोग देखना चाहते हैं, क्या लोग एक्चुअली इंटरटेन किससे होते हैं, मेरी समझ से ये बाहर है। आजकल लोगों को ये लगता है कि शॉर्टकट से ही ओवरनाइट उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, शॉर्टकट से ही उनके जो है उनको व्यूज़ मिल जाएं, कोई मेहनत नहीं करनी है उनको, बस इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो उनको जो है पोस्ट करनी है, कोई भी जो टॉपिक वायरल हो रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, वही उस पर जो है जाते हैं, वही सब वीडियोज़ वो पोस्ट करते हैं एंड ओवरनाइट उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड मैं बात करूँगी कि नॉट ओनली स्मॉल यूट्यूबर्स जिनके 3 या 4 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, ये वो यूट्यूबर्स भी ये काम कर रहे हैं जिनके सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, 2 मिलियन से भी ज़्यादा जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। आई रियली रियली डोंट नो उनको क्या ज़रूरत है ये सब करने की, वो ये काम क्यों कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड और मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब वो लोग जो लोग जिनके 1 या 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इतना उनकी जो पोस्ट उनकी जो वीडियोस होती हैं उसके इतने ज़्यादा मिलियन से भी ज़्यादा 3-4 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो क्या उनको यूट्यूब पे देखकर उनकी वीडियोस देख के क्या जब वो पार्लर में जाते हैं पार्लर वाले उनको पहचानते नहीं हैं, उनको रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं, और अगर रिकग्नाइज उनको करते हैं तो क्या वो पैसे देकर मैनिपुलेशन करके ऐसी वीडियोस बनाते हैं और पोस्ट करते हैं? एंड अगर ऐसा नहीं है या फिर वो सच में ऐसी वीडियोस बना रहे हैं तो आई रियली डाउट कि ऐसा हो रहा है, एंड अगर वैसा कर रहे हैं तो ये और भी बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है, उन्हें ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है ये बात कि वो किसी के पार्लर में जाएँ, और ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता उनको। मैं तो बस यही बोलूँगी कि इतने बड़े यूट्यूबर्स आप अपने आप को बोलते हैं और फिर उनकी जो है वीडियोस आप इस तरह से पोस्ट करते हैं, मेकअप करवाते हैं अपना जैसे भी, और उनकी जो है 3-4 दिन में अपने जो व्यूज़ हासिल करने के लिए आप इस तरह के जो काम कर रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, आपको इस तरह की जो है चीज़ें हर। एंड एक दो यूट्यूबर्स तो मैंने देखे हैं जिनका काम ही रह गया यूट्यूब पर इसी तरह की वीडियोज़ बनाना, लाइक एक वीक में वो 3-4 वीडियोस इसी टॉपिक पे लेकर बना रहे हैं एंड पोस्ट कर रहे हैं, एंड सरप्राइजिंगली उनकी जो वीडियोस पे जो है बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में 2-2 मिलियंस उनके जो व्यूज़ आ रहे हैं, एंड ओवरनाइट उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स जो हैं 1 लाख थे, उनके सब्सक्राइबर्स 1,70,000 1,80,000 तक जो हैं पहुँच गए हैं इन वीडियोज़ के कारण। तो लोग बहुत ही अच्छे से ये वीडियो देख भी रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें कि, और मैं जब उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ इन वीडियोस पे जाके जो उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ उनके सब्सक्राइबर्स के, तो इस तरह के कमेंट्स होते हैं कि दीदी वाओ वाओ सो गुड, इतना अच्छा आपका मेकअप, इतना गंदा आपका मेकअप करवा के लाए हैं, आपको ये बना दिया, इनको तो ऐसे पार्लर वालों को तो बंद करवा देना चाहिए, इनको तो शर्म आनी चाहिए, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ, इस तरह से मेकअप कर रहे हैं, चार्ज ले रहे, चार्ज कर रहे हैं वो इतने पैसे। तो मैं उन सब्सक्राइबर से आपसे पूछती हूँ
कि वो जो पार्लर है वो खोल के बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि सबका बजट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। इस हमारे जो देश में जो जनता की, इस इंडिया की जो पॉपुलेशन है आपको पता है कितनी है, तो वो जितनी भी जनता है वो एक जैसे बजट के अकॉर्डिंग जो मेकअप नहीं करा सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से जो पार्लर्स हैं हमारे देश में, हमारे इंडिया में, वो इसी तरह से हैं। कुछ जो बहुत ही लो बजट पार्लर्स हैं, कुछ जो हाई बजट पार्लर्स हैं। तो इस तरह के जो लो बजट पार्लर्स हैं उसमें वो लोग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इस तरह से जो मेकअप करवाते हैं। तो आपसे कौन बोल रहा है कि आप उस पार्लर में जाएं और मेकअप करवाएं? उन्होंने तो आपको इन्विटेशन नहीं दिया, आप खुद जा रहे हैं उनसे मेकअप करवाने के लिए। और मेकअप करवाने के बाद, मेकअप कराने के टाइम पर आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, आप उन्हें चीट कर रहे हैं। उन्हें बताते भी नहीं हैं आप लोग कि आप उन्हें जो है इस तरह की वीडियो जो है बना रहे हैं। एंड अगर आप बताते हैं तो इट मीन्स आपकी जो वीडियोज़ हैं वो स्क्रिप्टेड है, मैनिपुलेशन आप लोग कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि इस तरह की चीप हरकतें करना प्लीज़ बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड अगर आपने जो है, मैं आपको ये बोलूँगी कि ये एक तरह से आप उस इंसान की इंसल्ट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही महान काम कर रहे हैं कि उनके जो फेस है उसको ना दिखाकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको जब वो आपकी वीडियोज़ देखेंगे तो उनको बहुत ही गलत लगेगा, उनको बहुत ही ख़राब लगेगा कि ये इंसान मेरे पार्लर में आया था, इसने मेरे से मेकअप करवाया और अभी मेरी वीडियो जो है पोस्ट कर रहा है, उनकी आपकी जो वीडियोस हैं वायरल हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आप उनका जो चेहरा नहीं दिखा रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन उनकी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो आप मेरी बात समझिए, इस बात को, इसको ध्यान दीजिए। एंड आपको मैं बता दूं कि आप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप उस इंसान का जो है नाम ख़राब कर रहे हैं, उसको डिफेम कर रहे हैं। एंड इंडियन पिनल कोड के तहत आपको जो है पनिशमेंट मिल सकती है अगर आप किसी का नाम डिफेम कर रहे हैं। अगर वो इंसान आपकी कंप्लेंट कर दे तो आपको जो है पनिशमेंट हो सकती है। अगर आप जो है इंडियन लॉज अगर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। तो आप पढ़ लीजिए उसे अच्छे से और आपको जो है सज़ा हो सकती है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है अगर वो इंसान आपकी जो है कंप्लेंट कर दे। आई रियली डोंट नो कैसे आपकी कॉन्शियस अलो करती है आपको कि इस तरह से आप उनके पार्लर में जाते हैं, उनसे मेकअप करवाते हैं थोड़े से 500-600 रुपये देकर, एंड उसके बाद उन्हीं की जो है उन्हीं को बदनाम करना, उन्हीं को इंसल्ट करना जो है आप शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो आप लोगों की कॉन्शियस कैसे अलाउ करती है इस काम के लिए। एंड 98-99% यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं, छोटे बड़े यूट्यूबर्स जो ये काम कर रहे हैं। सिर्फ 1-2% ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैंने वीडियोज़ देखी हैं एंड उनकी बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड मैं पर्सनली उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आई विल नॉट टेक एनीबडीज नेम, बट मैं उनको बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। मेहनत से आगे बढ़े हैं वो, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने हार्डवर्क किया है तभी वो यूट्यूब के इस मकाम पर हैं। काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी। तो उन्होंने ये बात बोली कि आजकल जो टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है एंड मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट मैं इस तरह की जो वीडियोस हैं कभी नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा दिल जो है वो गवाही नहीं दे रहा है, मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊँ। तो मुझे उनकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि चलो इस दुनिया में कोई तो है जो इंसानियत रखता है और उसे पता है कि वो इस तरह के काम नहीं करने हैं और मेहनत करके ही आगे बढ़ना है और इस तरह के शॉर्टकट से YouTube पे कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली YouTube पे हो रहा है इस तरह के शॉर्टकट से, बट जिनको एथिक्स मालूम है, जिनको इंसानियत पता है क्या होती है, वो ये काम कभी नहीं करेगा कभी। एंड इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, मैं उनसे ये बोलूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतनी मेहनत से आप आगे आए हो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप पोस्ट करते हैं, तो आपको इस तरह की जो है वीडियोज़ जो पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं आपकी वीडियोज़ पर एंड आपके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स भी जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की वीडियोज़ पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी एप्ट है कि आप किसी इंसान की इस तरह से इंसल्ट करें, बट हाँ आप उनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, उनको कुछ सिखा के, अगर उनको नहीं आता है तो उनको सिखा सकते हैं। एंड उनको जो है वो आपके पास जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि आपको रिव्यू करने के लिए आते हैं, वो आप उनको जो हेल्प कर सकते हैं वो देकर, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सो काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ मैंने देखी जिनके नीचे उनके सब्सक्राइबर्स ने जो इस तरह के कॉमेंट किए हुए थे, जिसे पढ़कर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी आया एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और वो कमेंट्स इस तरह से थे कि लाइक एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि इस तरह की वीडियोस पोस्ट करके, इस तरह से आप किसी को इंसल्ट करके आप ठीक नहीं कर रहे हैं इस तरह के यूट्यूबर्स। एंड उनके सब्सक्राइबर्स ने जो है उनको डिफेंड किया था उनके अपने जो यूट्यूबर्स को, और ये लिखा था कि
कमेंट का कि अनलेस यू आर शोइंग देयर फेसेस और रिवीलिंग देयर नेम्स, ये बिल्कुल सही है. लाइक अगर आप उनका जब तक चेहरा नहीं दिखाते हैं, उनका नाम नहीं दिखाते हैं, शो नहीं करते हैं वीडियो में, तब तक ये सही है और आप इस तरह की वीडियो जो है पोस्ट कर सकते हैं. तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि किसने आपको ये राइट दिया है कि आप किसी के घर में घुसकर वहाँ, मतलब आप उनकी विसिनिटी में जा रहे हैं, उनसे पैसे दे के वो करवा रहे हैं और उसके बाद जो है उनको डिफेम कर रहे हैं. तो किसने आपको ये राइट दिया है? Who has given you this right? किसी को बदनाम कर रहे हैं इसी तरह से, एंड आप उनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, मान आप उनका नाम भी नहीं दिखा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं ये चीज़ करके. इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ ओनली, क्योंकि आपको पता है कि उनका आपने चेहरा अगर दिखा दिया और अगर आपने उनका नाम दिखा दिया तो आप ही इसमें फंसेंगे, आपको ही इसमें परेशानी होने वाली है. जो यूट्यूबर्स इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं तो इस तरह से वो खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जिससे आप इस तरह से काम ही करवा रहे हैं, जिस तरह से आपने मेकअप करवाया है उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको आप उनका नामक ख़राब कर ही रहे हैं. और क्योंकि आप किसी को उनका चेहरा दिखाएं या ना दिखाएं, आप जिनसे वो काम करवा के आए हैं, लाइक जैसे मैंने आपका मेकअप किया है और आप मेरे पार्लर में आए हैं, उसके बाद आपने मेरी वीडियो पब्लिश कर दी, आपने मेरा चेहरा नहीं दिखाया, कहीं ना कहीं मुझे कितनी ज़्यादा वो गिल्टी फील हो रही होगी, मुझे कैसा फील हो रहा होगा, ये कोई जो है इसका गेस नहीं कर सकता, इसे कोई भी जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि कितना उस इंसान को बुरा लग रहा होगा, कितना उसने इतनी सिंसेरिटी से जैसे भी उसको जितना भी आता होगा उसका अपना काम किया होगा एंड उसके काम पे उन्होंने इतने ज़्यादा उन्होंने मिस्टेक्स निकाली. कोई भी जर्नी में परफेक्ट नहीं होता है, मैं तो ये बोलूँगी. सबको इस लाइफ में जो है सीखने का मौका मिलता है, लोग सीखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. जो यूट्यूबर्स आज बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी जो है ज़ीरो से शुरुआत की होगी और उसके बाद वो आगे बढ़े होंगे. तो इस तरह से किसी को जो है बदनाम करना, डिफेम करना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, मुझे ऐसा लगता है. गाइज़ आपको पता है आप खुद यूट्यूबर्स हैं एंड अगर कोई बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है यूट्यूब पे, मेकअप ट्यूटोरियल्स वो करते हैं, कोई और काम कर रहा है, आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, आपका जो बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको जो वो है हेट कमेंट्स करते हैं. तो उसी टाइम आप जो है हेट कमेंट्स के जो है रिप्लाई करना जो है शुरू कर देते हैं क्योंकि आपको बुरा लगता है. तो अगर आपके काम को कोई जब बुरा बोलता है, आपको उसका बुरा लगता है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगा कि आप के काम को इतना गलत बोल रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उनकी, आप खुद तक वो बात नहीं रख रहे हैं, आप पूरी दुनिया को वो दिखा रहे हैं कि इनका जो काम था ऐसा लगा, आपने इनका इतना गंदा मेकअप किया, मेरा ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, इतनी सारी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा इतना बैड वे में. तो आपको नहीं लगता कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो काम आपके सब्सक्राइबर्स या बाकी लोग कर रहे हैं हेट कॉमेंट्स करके? तो आप भी उसी राह पर चल रहे हैं, आपको नहीं लगता ऐसा? एंड मुझे ये भी पता है कि जब वो यूट्यूबर्स या उनके सब्सक्राइबर्स, उनके प्यारे सब्सक्राइबर्स जब मेरी वीडियो देखेंगे, ये वाली अगर वो देखेंगे तो वो मेरे चैनल पे आके मेरी इस वीडियो पे जो है बहुत ही ख़राब बैड कमेंट्स करेंगे एंड ये बोलेंगे कि ये वीडियो जो मैंने पोस्ट की है ये भी व्यूज़ पाने के लिए की है, व्यूज़ अर्न करने के लिए की है, सब्सक्राइबर्स अर्न करने के लिए की है. तो मैं आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि मैं YouTube पे जो हूँ, YouTube इज़ माय पैशन, YouTube इज़ माय लव, मुझे YouTube पे काम करना अच्छा लगता है. आई थिंक 5-6 मंथ्स पहले मैंने जो है ये काम करना शुरू किया था YouTube पे एंड आप देख सकते हैं कि 5-6 महीने में मेरे कितने व्यूज़ हैं वीडियोस पे एंड कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप जो है चेक कर सकते हैं आराम से. तो अगर मुझे ये काम करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, इस तरह की वीडियोज़ पोस्ट करना होता तो मैं कर चुकी होती, बट मैं नहीं करूँगी, मैं कभी नहीं करूँगी, मैं फेक थंबनेल्स कभी नहीं लगाऊंगी. मुझे अगर काम करना है तो मेहनत से करना है एंड सिंसेरिटी से करना है, शॉर्टकट्स मुझे नहीं करने हैं. एंड मुझे जो है व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, जब मिलने होंगे तब मिल जाएंगे, नो आई रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. और कमेंट से मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, किसको कमेंट करना है वो करिए, आई रियली डोंट केयर. बीइंग अ यूट्यूबर एंड बीइंग अ व्यूअर YouTube पे मैं भी वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे इस तरह की वीडियोस बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मैं बिल्कुल आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ वीडियोस जो भी आजकल YouTube पे चल रहा है. एंड ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, आई थिंक एक या दो यूट्यूबर्स, फॉरेन यूट्यूबर्स ने जो है इस तरह की वीडियो पोस्ट की थी, कुछ सोचे समझे बस ये ट्रेंड शुरू हो गया यूट्यूब पे एंड सब्सक्राइबर्स उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, वीडियोज़ लोग देख रहे हैं. मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोग जा रहे हैं और इस तरह की वीडियोज़ उनकी वायरल हो रही हैं, आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, बट मुझे प्रॉब्लम
रीज़न ये है कि आप लोग किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, किसी की किसी को इनडायरेक्टली हार्म कर रहे हैं, आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं बाद में वीडियोज़ पब्लिश करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। एंड वो इस इंसान की जो है वो इंसानियत है कि वो आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। आप लॉज अच्छे से पढ़ लीजिए, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। आप किसी का नाम ख़राब कर रहे हैं, उसका नाम डिफेम कर रहे हैं, तो इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। आप जो है अगर वो इंसान आपकी कंप्लेन कर दे तो आपको जो है वो पनिशमेंट भी मिल सकती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे वीडियो पे अगर कमेंट आते हैं गलत, तो आई एम रेडी फॉर दिस। मुझे पता है कि वो आएंगे, अगर ये वीडियो जो है लोग देखेंगे तो वो कमेंट भी करेंगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो मेरे सपोर्टर्स होंगे जिनको ये बात गलत लगती है, वो मेरे सपोर्ट में आएंगे और वो जो है मेरी इस वीडियो पे अच्छे कमेंट भी करेंगे। इनफैक्ट मैंने जो बहुत सारी ऐसी वर्स्ट रिव्यूड जो वीडियोज़ हैं, मैंने मोस्टली सभी वीडियोज़ पर जाके कॉमेंट पोस्ट करे हैं। एंड कॉमेंट में आप कुछ स्क्रीन शॉट भी आपको स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो मैंने वहाँ जाके भी जो ये कमेंट पोस्ट किए कि इस तरह की वीडियोस प्लीज़ मत बनाइए, लोगों को इस तरह के यूट्यूबर्स को एनकरेज मत करिए, मोटिवेट मत करिए, इट्स नॉट राइट। एंड उसमें उन कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने वहाँ पर मुझे सपोर्ट किया और मुझे ये बोला कि यू शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक और आपको बनानी चाहिए, एंड दे हैव रियली सपोर्टेड मी। गाइस, आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे जो है वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिल से आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो आज ये जो वीडियो है, मैं आज इस मैटर पे बोल पा रही हूँ। काफ़ी टाइम से बोलना चाहती थी बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैं इसलिए बोल रही हूँ। जो भी कमेंट्स आते हैं आए, मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ। मुझे कोई भी इस बात की टेंशन नहीं है कि बैड कमेंट्स आएंगे, मुझे अपना ओपिनियन रखने का पूरा पूरा राइट है, हक बनता है। अगर आप इस तरह की वाहियात वीडियोज़ जो है पोस्ट कर सकते हैं, इस तरह से किसी का नाम खराब कर सकते हैं, तो मुझे भी पूरा हक है उस इंसान के फेवर में बोलने का, उस इंसान के बिहाफ पे बोलने का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उन सभी पार्लर ओनर्स के जहाँ पर आप गए हैं और आपने जो है उनके इनसे मेकअप करवाया है, जो भी करवाया है, और उनके बारे में इतना गलत बोला है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए पर्सनली जाके कि आपने ये काम किया है। एंड तो मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बोलने का पूरा हक है, और आगे भी अगर इस तरह की कोई भी ऐसी YouTube पे वीडियोस आएंगी जिसमें इतना ज़्यादा गलत हो रहा होगा कुछ लोगों के साथ, तो मैं ज़रूर बोलूँगी, मैं अपना पॉइंट ज़रूर रखूँगी। जिनको मुझे सपोर्ट करना होगा वो करेंगे, जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे। जो कि मेरे हेटर्स होंगे वो तो मुझसे हेट ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी, वो सही नहीं हो सकती है। आप ओवरनाइट अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, आपको मिलेंगे, लेकिन आपको जो रिस्पेक्ट है नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों की नज़रों में आप गिर चुके हैं। एंड इस वीडियो को अगर वो यूट्यूबर्स देख रहे हैं तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पर्सनली जाके जिनसे आपने वो मेकअप करवाया उनसे माफ़ी मांगिए। उन्होंने जो है कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की है, उन्होंने आपका मेकअप किया है, बहुत ही सिंसेरिटी से किया है। आपने उन्हें पैसे दिए हैं, ऑफकोर्स पैसे देकर ही आप उनसे मेकअप करवाएंगे, उनसे अपना जो है वो सर्विसेज देंगे, एंड उसके बाद आपने उनको चीट किया है, उनसे जो है उनकी वीडियो पब्लिश की है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको उनसे जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, एंड आइंदा इस तरह की वीडियोज़ आपको पोस्ट नहीं करनी चाहिए। सो गाइज, दैट्स ऑल। बस मुझे इस बारे में बोलना था, और इसीलिए जो मेरा कोई भी ये प्रिपरेशन नहीं था, बिल्कुल एक्सटेम्पोर में आई हूँ आपके सामने और इस मैटर पे बोलने के लिए। मैं प्रिपेयर करी थी किसी और वीडियो के लिए, बट मुझे लगा कि इस बारे में बोलना अभी जो है ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हाइप हो चुकी है इस इशू की। और जब देखो, जब भी मैं यूट्यूब ऑन करती हूँ तो हर दूसरी तीसरी वीडियो जो होती है वो इसी टॉपिक पे होती है, एंड फिर बाहर आके उनको इंसल्ट करना, ये किया आपने, उन्होंने तो मेरा मेकअप ऐसे कर दिया, मेरा ये बिगाड़ दिया, मेरा ये कर दिया, उनको तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है। अगर उनको इतना कुछ आता गाइस, तो वो इतना सस्ता वाला पार्लर और इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं रखते। उनको ऑफकोर्स वो अच्छे पार्लर में काम कर रहे होते, वो अच्छे उनके पास प्रोडक्ट्स होते, क्योंकि उनकी कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी वो इसे पार्लर में ऐसे पार्लर खोल के बैठे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो उनको आपको एनकरेज करना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिए और आगे जाके आप अच्छे से जो है काम कर पाएंगे। मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपने जो आज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स बने हुए, बहुत अच्छे से मेकअप करना जानते हैं, जब आपने स्टार्ट किया था मेकअप करना या जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आप उसमें एकदम परफेक्ट थे स्टार्टिंग से ही? अभी जो है सीख सीख कर ही आगे बढ़े होंगे। ऑफकोर्स कोई भी जो है परफेक्ट पैदा नहीं होता इस दुनिया में, तो लोगों को जो इस तरह से डीमोटिवेट ना करके उन्हें इनक्रेज करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है उन्हें इंस्पायर करें, ना कि आप उन्हें उनकी इंसल्ट करें और उनको जो है हार्म करें किसी भी वे में।
गाइस बस मुझे आज इतना ही आपसे बात करनी थी, इतना ही आपसे बोलना था, और क्योंकि मेरे पास कोई और माध्यम नहीं था अपनी बात रखने का, क्योंकि लाइव में नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं एंड यूट्यूब पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके जब तक 1K सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते हैं आप जो हैं फ़ोन से लाइव नहीं आ सकते हैं। सिंस आई ऑलवेज फिल्म माई वीडियोज़ ऑन अ फ़ोन, तो फ़ोन से मैं लाइव नहीं आ सकती थी, तो मेरे पास और कोई माध्यम नहीं था, मुझे वीडियो ही बनानी पड़ी आपके सामने ये बात रखने के लिए। मैं हर जो यूट्यूबर जो जिसने इस तरह की वीडियो की है उस पर कॉमेंट करती थी, पर उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, उस पर उल्टा जो है लोगों के बैड कॉमेंट्स आ रहे थे, कुछ सपोर्ट भी कर रहे थे ऑफकोर्स, बट मुझे लगा कि नहीं अभी इसके बारे में बोलना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो के लिए मैं कोई भी लाइक या शेयर आपसे नहीं मांगूंगी, ना ही आपसे ये बोलूंगी कि आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ना ही कोई अपने एफर्ट्स दिखाए हैं इसमें, कोई भी ऐसा हार्डवर्क नहीं किया है, तो मैं आपसे लाइक और शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूँगी। लेकिन ऑफकोर्स मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसे लोग देखें और इस बात को समझें कि इस टाइप की वीडियोस जो है इसे इनक्रेज करना गलत है, इसे मोटिवेट ना करें इस तरह के यूट्यूबर्स को, एंड आगे जो है ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस जो है पोस्ट ना करें, इससे किसी को आप डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हार्म कर रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड वो इंसान की उस इंसान की भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उसे जो है उसका चेहरा ना दिखाकर भी उसकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो रही है उस पर उसे जो है ख़राब कर रहे हैं, उसे जो है एकदम डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आगे से इसका ध्यान रखें। तो बस यही मुझे बोलना है ताकि वो यूट्यूबर्स भी ये वीडियो देखें। इस वीडियो से मुझे व्यूज़ मिले ना मिले आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग जो है इस बात को समझें। बट आई रियली रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम माई ओन सब्सक्राइबर्स एंड माई सपोर्टर्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस वीडियो को बनाने के लिए, मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इस वीडियो को जो है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस वीडियो को देखें और जो है इस जो ये सारी जो गलत चीज़ें यूट्यूब पे हो रही हैं इसे रोकें और कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है। सो दैट्स इट गाइस, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।